हेलो एवरीवन वेलकम अगेन टू रामानुजम स्कूल ऑफ स्टडीज टू इंफिनिटी चैप्टर एट द सर्किल एस एलोनी बुक है ये और आज हम लोग करेंगे इक्वेशन uh, ऑफ में हम लोग फाइंड करेंगे इक्वेशन ऑफ एग्जांपल्स टू का है ये क्वेश्चन नंबर से 12 तक हम लोग कोशिश करेंगे कि हो जाए एक्सरसाइज का क्वेश्चन है लेकिन एक्सरसाइज यहाँ एग्जाम्पल में दिया हुआ है तो आप बुक को फॉलो अप करेंगे तो आपको सारा कुछ मिल जाएगा ठीक है एस एलोनी का कॉर्नर ज्योमेट्री हम लोग कर रहे हैं इससे पहले जो भी थ्योरी पार्ट था और एग्जाम्पल्स था हम लोगों ने किया है अब एलिमेंट्री क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और चूंकि एस एल का बुक है तो इसका जो क्वेश्चन है वो एलिमेंट्री लेवल से स्टार्ट होगा और धीरे धीरे ग्रेजुअली इसका जो लेवल होगा इंक्रीज करता चला जाएगा सो हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देखना है हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट है उन सारे कॉन्सेप्ट को समझना है और जैसे जैसे हम लोग आरे आगे बढ़ते जाएंगे जो सर्किल का क्वेश्चन uh, आएंगे जो भी कॉन्सेप्ट हमने देखा वो सारा आपका एकदम फाउंडेशन मजबूत हो जाएगा बहुत ही अच्छा हो जाएगा चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सो क्वेश्चन मैं यहां पे लिखूंगा ठीक है फर्स्ट क्वेश्चन है मतलब फाइंड द इक्वेशन ऑफ टू दर्किल ऐसे है क्वेश्चन फाइंड द इक्वेशन फाइंड द इक्वेशन टू द सर्किल टू द सर्कल अब इसमें फर्स्ट पार्ट है फर्स्ट फिर सेकंड वन टू करके वन टू सेकेंड थ्री हुज रेडियस इज थ्री एंड सेंटर इज माइनस वन टू पहला है हुज रेडियस इज थ्री इज थ्री एंड हुज सेंटर इज हुज सेंटर इज कितना कितना है -1 and 2. कितना है एंड अब देखिए रेडियस गिवन थ्री यूनिट है और सेंटर गिवन है माइनस वन एंड टू को तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन जो है ये बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है स्टार्ट करेंगे सो वी कैन राइट हियर सेंटर को रिप्रेजेंट करेंगे सी से तो सी का कोऑर्डिनेट कितना है माइनस वन एंड टू एंड रेडियस को अगर हम लोग ए लिखते हैं यूनिट सो इक्वेशन ऑफ सर्कल हम लोगों ने देखा है एक्स माइनस माइनस क्या था हमारा माइनस एच का होल स्क्वायर, आपको ध्यान होगा, प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर जहां पे एच और के सेंटर है सर्कल का तो सिंपल सा इक्वेशन हमें फाइंड आउट करना यहां पे, सो so, एक्स माइनस ध्यान से देखेंगे सेंटर क्या है एक्स वन क्या है माइनस वन ठीक है इसका होल स्क्वायर हो जाएगा ठीक है प्लस वाई माइनस टू का होल स्क्वायर हो जाएगा दिस इज इक्वल टू थ्री स्क्वायर सो थ्री स्क्वायर हम लोग लिखेंगे ये हो जाएगा एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस टू का होल स्क्वायर सो दिस इज इक्वल टू थ्री स्क्वायर और इसको हम लोग एक्सपैंड कर देंगे सो फोर वाई इज इक्वल टू नाइन आई होप आपको चीज समझ में आ गया होगा क्यों ऐसा हुआ है ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी के होल स्क्वायर को हम लोगों ने यूज किया सो so यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस फोर वाई ठीक है टू एक्स माइनस फोर वाई और ये वन प्लस फोर कितना हो जाएगा वन प्लस फोर हो जाएगा फाइव फाइव माइनस नाइन तो ये हो जाएगा फाइव माइनस नाइन इज माइनस फोर वी कैन राइट माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो एक चीज ध्यान में रखना आपको कि जी की वैल्यू आप देख सकते हैं यहां पे क्या है टू है टू जी एक्स जी की वैल्यू टू जी टू जी की वैल्यू कितना है टू है टू एफ की वैल्यू कितना है माइनस फोर है ठीक है और सी की वैल्यू कितनी है माइनस फोर है ठीक है तो यहाँ से आप जब भी क्वेश्चन आपको फाइंड आउट हो जाता है ना तो जी की वैल्यू निकाल सकते हैं जी की वैल्यू कितना हो जाएगा वन एफ की वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस टू और सी की वैल्यू कितना हो जाएगा c सी की वैल्यू हो जाएगा माइनस फोर तो ये जो जी एफ और सी की वैल्यू है जब हमारे पास इस तरह में इक्वेशन दिया रहेगा तो कंपेयर करेंगे एक्स एक स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो इस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे और टू जी की मतलब टू जी के बराबर इक्विवेलेंट करेंगे जो भी कॉफिशियंट ऑफ एक्स होगा टू एफ को इक्विवेलेंट करेंगे जो भी कॉफिशियंट ऑफ वाई होगा और सी कॉन्स्टेंट टर्म से इक्विवेलेंट करेंगे वहाँ से जी सी और एफ की वैल्यू को हम फाइंड आउट कर सकते हैं और इसके बाद कहेगा सेंटर फाइंड आउट करने के लिए तो माइनस जी सेंटर क्या होता है माइनस जी माइनस एफ और रेडियस अगर कहेगा फाइंड करने के लिए तो क्या हो जाएगा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का अंडर रूट ये दोनों को यूज करके हम सेंटर और रेडियस भी फाइंड कर सकते हैं इसका मतलब है कि अगर आपके पास क्वेश्चन में रेडियस और सेंटर है तो इक्वेशन ऑफ सर्कल निकाल सकते हैं अगर आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल गिवन होगा जनरल फॉर्म में तो आप सेंटर और रेडियस निकाल सकते हैं समझ में आ गया ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन था पहला हो गया दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि दूसरा क्वेश्चन में ये कह रहा है कि सेंटर इज टेन तो आपको बुक में मिल जाएगा हुज रेडियस इज टेन यूनिट तो आप इस क्वेश्चन को खुद से कीजिए क्योंकि यहाँ पे सेम चीज है वैल्यू पुट करना और एक्सपैंड करना क्वेश्चन इक्वेशन uh, को आपको समझ में आ जाएगा चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्योंकि हर एक क्वेश्चन करना पॉसिबल uh, तो है नहीं जो क्वेश्चन आपसे हो सकता है उस क्वेश्चन को मैं यहां छोड़ रहा हूं प्रैक्टिस के लिए हुज रेडियस इज ए प्लस बी आप कह रहा है हुज रेडियस थर्ड क्वेश्चन रेडियस इज ए प्लस बी जिसका रेडियस ए प्लस बी है एंड हुज सेंटर इज ए माइनस बी एंड सेंटर इज सेंटर इज ए माइनस बी तो कह रहा है क्वेश्चन में कॉमा माइनस बी इस तरह से क्वेश्चन है ठीक है तो क्वेश्चन में कह रहा है कि रेडियस गिवन है ठीक है रेडियस गिवन है और हमें क्या निकालना है इक्वेशन इक्वेशन ऑफ ऑफ सर्कल सर्कल सो अगेन सेंटर क्या है इज का होल स्क्वायर पे क्या हो जाएगा माइनस बी एच के जगह माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये एक्स नहीं वाई होगा ठीक है वाई इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर रेडियस का ए प्लस बी का होल स्क्वायर अब इसे एक्सपैंड करना है चलिए एक्सपैंड कर लेते हैं एक्स एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस टू ए एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ध्यान देंगे यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो वाई प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा प्लस टू बी वाई तो इसलिए फॉर्मूला में प्लस टू बी वाई आएगा सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी अब यहाँ पे जो चीज बराबर होगा राइट right हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में उसे हम कैंसिल आउट कर देंगे या माइनस कर देंगे तो कैंसिल uh, हो जाएगा तो इक्वेशन क्या आ जाएगा हमारा एक्स एक्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू ए एक्स प्लस टू बी वाई माइनस टू ए बी इज इक्वल टू जीरो ये इक्वेशन हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड का ठीक है क्वेश्चन नंबर फोर्थ कह रहा है इसी में कि वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल हुज रेडियस रेडियस का वैल्यू गिवन है हुज रेडियस इज अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड हुज सेंटर इज एंड सेंटर सेंटर का कॉर्डिनेट गिवेन है माइनस ए माइनस बी अब देखिए ये पहले वाले जैसा ही क्वेश्चन है तो यहाँ पे एच क्या हो जाएगा माइनस ए और के क्या हो जाएगा माइनस बी सो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा एक्स माइनस माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर रेडियस कितना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रेडियस यहाँ पे ए नहीं लिखेंगे आर लिख लेते आर इसका होल स्क्वायर और इसे क्या करना है स्क्वायर करना एक्सपैंड करना तो ये हमारा क्या बन जाएगा एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और इसे एक्सपैंड करना एक्सपैंड कर देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस टू ए एक्स ई बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अब यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा लेकिन बी स्क्वायर माइनस में तो कैंसिल नहीं होगा सो इक्वेशन ऑफ सर्कल हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू ए एक्स प्लस टू वाई बी या टू बी वाई कर सकते हैं और ये बी स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा तो यहाँ पे जो कॉन्स्टेंट प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्त दोनों प्लस हो जाएगा तो प्लस टू बी स्क्वायर इज इक्वल टू जो ये इक्वेशन ऑफ सर्कल हो गया क्वेश्चन नंबर फोर हो गया ठीक है चार क्वेश्चन था इसमें इस तरह से ये चारों क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन था कोई ज्यादा टफ नहीं था चलिए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखते हैं देखिए हमें क्वेश्चन ज्यादा करने होंगे हर एक बार और जब भी मैं क्वेश्चन को अगर मैं लिखता हूं तो पहले क्वेश्चन आप सुन लीजिए वीडियो को पॉज कर लीजिए क्वेश्चन को पहले खुद से सॉल्व कीजिए कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स अब जो पांचवा छठा सातवां है इसके लिए क्या है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स अब क्या फाइंड करना है कोऑर्डिनेट्स Of the center and of the center and radii of the circle and radii of the circle, circle of the circle whose equations are whose equations are equations are. अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्वेश्चन फिफ्थ सिक्स से आगे जो क्वेश्चन है 5, 6, 7, 8, 9 यहाँ पे हमें इक्वेशन ऑफ और हमें क्या पता करना है हमें पता करना है सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होगा और रेडियस क्या होगा जैसे एग्जांपल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फाइव में कह रहा है इक्वेशन ऑफ सर्किल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस एट वाई 41. तो अब देखिए क्या करना है ना स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें इसे लिख लेना पहले एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस एट वाई और माइनस फोर्टी वन इज इक्वल टू जीरो स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग को लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड में सारे आइटम को ले आएंगे और राइट हैंड साइड को जीरो कर देंगे और इसको हम स्टैंडर्ड इक्वेशन जो है हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्किले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस प्लस सी इज इक्वल टू जीरो इससे कंपेयर करेंगे जब हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि टू जी कॉपिशियट ऑफ एक्स है स्टैंडर्ड इक्वेशन में और जो गिवन इक्वेशन है टू जी इज इक्वल टू माइनस फोर हो जाएगा ठीक है अभी अभी हमने बात किया टू एफ इज इक्वल टू माइनस एट हो जाएगा और सी इज इक्वल टू माइनस फोर्टी वन हो जाएगा तो यहाँ से हम लोग जी की वैल्यू निकाल सकते हैं जी इज माइनस फोर डिवाइड बाई टू सो दिस इज माइनस टू यहाँ से एफ इज इक्वल टू माइनस एट डिवाइड बाई टू सो दिस इज माइनस फोर और यहां से सी की वैल्यू फोर्टी वन है तो जो सेंटर का कोऑर्डिनेट होता है सेंटर का कोऑर्डिनेट एज पर दिस इक्वेशन जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो होता है माइनस जी माइनस एफ सो सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा जी इज माइनस टू तो माइनस जी क्या हो जाएगा टू प्लस टू हो जाएगा माइनस माइनस प्लस प्लस और एफ क्या हो जाएगा माइनस माइनस फोर सो दिस इज प्लस फोर टू फोर क्या हो जाएगा सेंटर हो जाएगा आई होप आपको चीज समझ में आ गया होगा यहां पे ज्यादा कुछ है नहीं इसमें ठीक है ध्यान से समझना है

फोर का स्क्वायर सिक्सटीन एफ कितना है फोर फोर का स्क्वायर सिक्सटीन माइनस सी कितना है माइनस फोर्टी वन ध्यान से देखेंगे सो दिस इज अंडर रूट ट्वेंटी प्लस फोर्टी वन सो दिस इज सिक्सटी वन तो आर जो आ जाएगा रेडियस ऑफ द सर्कल इज अंडर रूट सिक्सटी वन हो जाएगा आई होप क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन ठीक है तो जी और एफ को निकाल सकते हैं सिक्स क्वेश्चन में जो इक्वेशन ऑफ सर्किल है जिसके जिसका हमें सेंटर और रेडियस निकालना है अब यहाँ पे देखिए थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री वाई स्क्वायर ठीक है माइनस फाइव एक्स माइनस फाइव एक्स माइनस सिक्स वाई प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो ये इक्वेशन ऑफ़ अब यहाँ पे देखिए स्टैंडर्ड इक्वेशन जो हम लोग देखते हैं वो हम लोग लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो के फॉर्म में लिखते हैं तो यहाँ पे देखिए कॉफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है वन है स्टैंडर्ड इक्वेशन में वाई स्क्वायर का भी कॉफिशियंट क्या है वन है तो जो भी इक्वेशन आपको सर्किल में गिवेन होगा आप ध्यान से देखेंगे तो जो कॉफिशियंट एक्सर होगा डेट वो, वो दोनों क्या होगा बराबर होगा तो हम इसको दोनों को कॉमन ले सकते हैं कॉमन लेंगे तो इक्वेशन क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस फाइव ओवर थ्री इंटू एक्स माइनस सिक्स ओवर थ्री इंटू वाई प्लस फोर ओवर थ्री इज इक्वल टू जीरो और इसको अरेंज करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस फाइव बाई थ्री एक्स माइनस टू वाई प्लस फोर बाई थ्री इज इक्वल टू जीरो अब ये जो इक्वेशन आएगा ना इस इक्वेशन में जो कॉफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर है वो वन है और कॉफिशियंट ऑफ वाई स्क्वायर भी वन है अब हम कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करेंगे तो टू जी इज इक्वल टू माइनस फाइव बाई थ्री हो जाएगा सो वी कैन राइट सी हियर टू जी इज इक्वल टू माइनस फाइव बाई थ्री उसके बाद टू एफ इज इक्वल टू माइनस टू हो जाएगा सो टू एफ इज इक्वल टू माइनस टू हो जाएगा और c इज़ इक्वल टू फोर बाई थ्री ध्यान रखेंगे जब भी कॉफिशियंट गिवेन होगा तो कॉफिशियंट एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का गिवेन होगा तो उसे हमें कॉमन लेके के वन करना है तो यहाँ से हमारा g का जो आया वो दिस इज माइनस फाइव ओवर सिक्स आई होप आपको समझ में आ गया यहाँ पे g क्या हो जाएगा सॉरी यहाँ पे f क्या हो जाएगा माइनस वन हो जाएगा ठीक है और c कितना हो जाएगा फोर ओवर थ्री सो सेंटर जो आया सर्कल का वो हो जाएगा माइनस जी माइनस एफ सो दिस इज फाइव ओवर सिक्स एंड माइनस वन माइनस माइनस प्लस वन हो जाएगा तो फाइव ओवर सिक्स और प्लस वन हो जाएगा हमारा क्या चीज सेंटर ऑफ सर्किल और रेडियस अगर हमें निकालना है तो रेडियस इज अंडर रूट जी स्क्वायर तो जी क्या हो जाएगा माइनस फाइव ओवर सिक्स का स्क्वायर सो ट्वेंटी फाइव ओवर थर्टी सिक्स प्लस एफ स्क्वायर डेट इज वन का स्क्वायर वन माइनस सी डेट इज फोर बाई थ्री और इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा अंडर रूट देखिए कर लेते हैं ये थर्टी सिक्स एल्सीय हो जाएगा ये ट्वेंटी फाइव हो जाएगा और ये हमारा कितना हो जाएगा ट्वेंटी फाइव ये हो जाएगा ठीक है और वन माइनस फोर बाई थ्री तो ट्वेंटी फाइव ये हो जाएगा ये थर्टी सिक्स कर लेते हैं ठीक है और माइनस ये फोर्टी एट हो जाएगा ठीक है हाँ फोर्टी एट हो जाएगा तो अगर आप इसको देखेंगे तो ये आ जाएगा हमारा आ, अंडर रूट कितना आ जाएगा ये विथ ए मिनट यस ये हो जाएगा पच्चीस इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा थर्टीन अंडर रूट थर्टीन ओवर अंडर रूट थर्टी सिक्स का अंडर रूट सिक्स तो ये हो जाएगा हमारा रेडियस तो थोड़ा सा कैलकुले कैलकुलेशन का पार्ट है आप इसे देख लेंगे हो जाएगा आसान आसानी वे में हो जाएगा चलिए क्वेश्चन नंबर सिक्स हो गया सो so, करना क्या है क्वेश्चन जब भी आपका कॉफिशियंट रहेगा एक्स एक्स स्क्वायर में और वाई स्क्वायर का कॉफिशियंट रहेगा तो उसे आप ए को वन करना चलिए क्वेश्चन नंबर सेवन देखते हैं सेवन कह रहा है कि we have to find uh, the equation uh, center and radius same चीज है और center of radius equation given है x, -x square equation क्या है x, x square plus y square plus y square is equal to k into x plus k थोड़ा सा ये क्या, क्या किया कि general form में नहीं देखे मतलब थोड़ा mix up कर दिया तो इसे हमें क्या करना होगा uh, simplify करना होगा so we can write here x, -x square प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू के एक्स प्लस के स्क्वायर ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अब ये माइनस के एक्स प्लस माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो अब इस इक्वेशन में देखिए अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो से कंपेयर करेंगे तो देखिए टू जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस के टू एफ इज इक्वल क्योंकि वाई का टर्म है नहीं तो कॉफिशियंट ऑफ वाई क्या है जीरो है और सी इज इक्वल टू माइनस के स्क्वायर तो यहां से जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस के ओवर टू एफ की वैल्यू क्या हो जाएगा जीरो और सी की वैल्यू माइनस के स्क्वायर सो सेंटर इज माइनस जी माइनस एफ सो के बाई टू और जीरो सेंटर क्या हो जाएगा के बाई टू एंड जीरो और रेडियस अगर हम निकालें तो रेडियस इज अंडर रूट माइनस के बाई टू का स्क्वायर डेट इज के स्क्वायर डिवाइड बाई फोर प्लस जी स्क्वायर डेट इज जीरो माइनस सी सी कितना है माइनस के स्क्वायर तो सी uh, कितना माइनस के स्क्वायर सो वी कैन एट ही माइनस के स्क्वायर ओके सो दिस इज अंडर रूट के स्क्वायर ओवर फोर प्लस के स्क्वायर थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे दैट इज फाइव के स्क्वायर डिवाइड बाई फोर ये हो जाएगा हमारा रूट फाइव ओवर टू इंटू के स्क्वायर थोड़ा सा मैथमेटिक्स है और ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें राइट right, ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेवन ओके चलते हैं क्वेश्चन नंबर एट क्वेश्चन नंबर एट कह रहा है करेंगे एक इसे इस तो uh, तो इस कर और uh, इसका रेडियस निकाले क्वेश्चन नंबर नाइन देखते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन कह रहा है अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर इन टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ध्यान से देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू सी एक्स माइनस टू एम सी वाई माइनस टू एम सी वाई टू जीरो मल्टीप्लीकेशन में तो यहाँ पे इस इक्वेशन को क्या करेंगे इस तरह से लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू सी ओवर अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर डिवाइड कर दिया दोनों तरफ तो ये चूंकि मल्टीप्लीकेशन में है तो ये डिवाइड हो जाएगा बाकी सभी में हमारे पास माइनस टू एम सी आ जाएगा यहाँ पे डिवाइड बाई वन प्लस एम स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू जीरो तो यहाँ पे कॉन्स्टेंट टर्म क्या है जीरो है सो so, अब इसको हमें किसे करना होगा तो कंपेयर करना होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो से कंपेयर करना होगा सो वी कैन राइट हियर टू जी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस टू सी डिवाइड बाई अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर ओके और टू एफ इज इक्वल टू माइनस टू एम सी डिवाइड बाई अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर सो जी इज सी डिवाइड बाई अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर एफ इज एम सी डिवाइड बाई अंडर रूट एन स्क् तो यहाँ पे हो जाएगा सेंटर इज माइनस जी माइनस एफ सो वी कैन राइट सेंटर इज इक्वल टू माइनस में है तो ये हो जाएगा सी डिवाइड बाई अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर माइनस जी और माइनस एफ हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस डेट इज एम सी डिवाइड बाई अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर ये सेंटर हो जाएगा और रेडियस अगर निकालना है इसमें तो रेडियस क्या निकाल सकते हैं हम लोग रेडियस इज अंडर रूट जी स्क्वायर ध्यान से देखेंगे जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी सी की वैल्यू तो जीरो है जी तो स्क्वायर को लिख सकते हैं सी स्क्वायर डिवाइड बाई वन प्लस एम स्क्वायर ध्यान से देखेंगे प्लस एम सी इसको लिख सकते हैं एम स्क्वायर सी स्क्वायर डिवाइड बाई वन प्लस एम स्क्वायर समझ में आ रहा होगा सो so, यहाँ से अंडर रूट ये हो जाएगा वन प्लस एम स्क्वायर सी एक्वायर प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर आई होप आपको अब आप थोड़ा सा इंटरेस्ट आने लग गया होगा सो अंडर रूट यहां से हम लोग सी स्क्वायर ले लेंगे कॉमन बचेगा वन प्लस एम स्क्वायर डिवाइड बाई वन प्लस एम स्क्वायर ये एम स्क्र एम स्क्वायर वन प्लस एम स्क्वायर कट जाएगा तो अंडर रूट सी आ जाएगा सो so रेडियस क्या जाएगा अंडर रूट सी दैट इज सी यूनिट तो रेडियस क्या हो जाएगा सी यूनिट so इस तरह से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं खुद से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं थोड़ा सा कैलकुलेशन आएगा बार बार एस एलोनी का बुक है तो इसमें कैलकुलेशन आएगा ठीक है चलिए अब हाँ यहाँ पे दो क्वेश्चन है नौ तक हम लोगों ने कर लिया तीन क्वेश्चन है दस ग्यारह बारह इसमें से देखते हैं दो क्वेश्चन करेंगे हम लोग क्वेश्चन कर प्रूव ड्रॉ द द सर्कल इक्वेशन गिवन है ठीक है और यहाँ पे हमें क्या ड्रॉ करना है सर्किल को ड्रॉ करना है तो जैसे एक इक्वेशन गिवन है एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल So we can write here, ध्यान से देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू is equal to zero. तो यहाँ पे क्या g is equal to zero हो जाएगा Yes, g is equal to zero हो जाएगा और यहाँ पे आ, हमारा क्या हो जाएगा ए वाई तो यहाँ से टू एफ इज इक्वल टू माइनस हो जाएगा अगर कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन को देखिए इस तरह से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो तो टू टू एफ इज इक्वल टू माइनस टू ए हो जाएगा क्यों कर रहे हैं और c 0, ऐसा और सी इज इक्वल टू जीरो ऐसा क्यों कर रहे हैं क्योंकि अगर हमें सर्कल ड्रॉ करना है तो हमें सेंटर चाहिए और रेडियस चाहिए तो बेसिकली हम यहाँ पे सेम चीज़ सेंटर और रेडियस निकालेंगे और उसे ग्राफ पे ड्रॉ कर देंगे सो जी इज इक्वल टू जीरो एफ इज इक्वल टू माइनस ए जी इज इक्वल टू जीरो टू माइनस और सी इज इक्वल टू जीरो सेंटर जो आ जाएगा ये जीरो और माइनस एफ सो ए हो जाएगा अब ध्यान से देखिए सेंटर कहाँ जीरो ए मतलब सेंटर हमारा है ग्राफ को मैं प्लॉट करता हूँ यहाँ पे ध्यान से समझेंगे इस चीज को सेंटर है हमारा कहाँ पे जीरो और ए तो एक्स कॉर्नेट जीरो और वाई कॉर्नेट ए सो सपोज ये ए है ठीक है ध्यान से देखिए वाई कॉर्नेट और रेडियस भी ए है तो सर्कल कैसा होगा यहां से एस इस तरह का सर्कल होगा ठीक है अब ये ज्यादा गोल नहीं हुआ तो मैं थोड़ा सा शेप से ले लेता हूँ गोल करने के लिए और इसको मैं थोड़ा सा साइड में कर दूंगा ठीक है एक मिनट ये थोड़ा सा और ये बन गया हमारा सर्कल ठीक है ये सर्कल हो गया क्योंकि तो इस सर्कल का सेंटर क्या हो जाएगा ए सॉरी जीरो और ए और रेडियस कितना है ए यूनिट अगर ए पॉजिटिव है तो ठीक है हो गया ये क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टेन सिमिलरली क्वेश्चन नंबर इलेवन की अगर हम बात करें तो ये है थ्री एक्स प्लस

टू बाई थ्री हो जाएगा ठीक है ये कट जाएगा दो हो जाएगा जी टू एफ इज इक्वल टू जीरो है तो एफ क्या हो जाएगा जीरो और सी क्या है जीरो है तो सी जीरो तो रेडियस आप निकाल सकते हैं रेडियस इज इक्वल टू जी स्क्वायर डेट इज माइनस टू ओवर थ्री का होल स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर जीरो माइनस सी जीरो सो वी हैव रेडियस इज अंडर रूट टू बाई थ्री का होल स्क्वायर माइनस में है तो ये प्लस हो जाएगा सो तो इसको टू बाई थ्री लिख लेंगे रेडियस आ गया और सेंटर क्या हो जाएगा सेंटर माइनस जी माइनस एफ सो सेंटर का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा माइनस जी माइनस एफ टू बाई थ्री और जीरो तो सेंटर अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे इसे अगर हमें प्लॉट करना है तो ये कहाँ पे प्लॉट होगा बार बार मैं बता रहा हूँ कि आपको इसी तरह से प्लॉट करना है अब यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट जीरो होगा और एक्स कोऑर्डिनेट कितना है एक्स कोऑर्डिनेट टू बाई थ्री है रेडियस टू बाई थ्री है तो एक्स कोऑर्डिनेट अगर कुछ यहाँ पे थ्री टू बाई थ्री होगा तो अब जो सर्किल होगा वाई कोऑर्डिनेट तो जीरो होगा सो so वो सर्किल जो होगा कुछ इस तरह से होगा ध्यान से देखेंगे इस तरह का सर्किल होगा इसको यहाँ पे सेट कर देते हैं क्यों ऐसा होगा इस तरह का सर्किल होगा देख ध्यान से देखेंगे ये हो जाएगा टू बाई थ्री ठीक है टू बाई थ्री ठीक है रेडियस और चूंकि सेंटर टू बाई थ्री वाई कॉर्नर जीरो है तो ये टू बाई थ्री और जीरो हो जाएगा ठीक है ये हो गया क्वेश्चन नंबर इलेवन और लास्ट क्वेश्चन है ट्वेल्व इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व दैट इज फाइव एक्स स्क्वायर प्लस फाइव वाई स्क्वायर इज इक्वल थ्री वाई ये इक्वेशन है चलिए आप इसका ड्रॉ करना है आपको खुद से आपका ये आपका होमवर्क है कीजिए और बताइए क्या आ रहा है कैसा फिगर आ रहा है आप खुद से देखें राइट तो ये हो गया हमारा ट्वेल्व क्वेश्चन एग्जाम्पल्स एट का ऐसा लोने का इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे अब जो है चूंकि छोटा छोटा क्वेश्चन था तो हम लोग ने ट्वेल्व क्वेश्चन का पांच पांच क्वेश्चन करेंगे क्योंकि वीडियो का लेंथ बहुत ही ज़्यादा हो जाता है तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा सारा मैथमेटिक्स इसमें समझ में आया होगा क्वारेड ज्योमेट्री में आ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इससे पहले कि मैं आपसे विदा लूँ आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें कंटेंट को पूरा देखें जिससे कि आपको सारा कुछ समझ में आए और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और कंटेंट को शेयर भी कर सकते हैं हैव अ नाइस डे जय हिंद